देखिए, जब से ये इनकी एमसीडी के सफाई कर्मचारियों के बीच 17 दिनों से स्ट्राइक चल रही है, जो अपनी तनख्वाह को लेकर के बेचारे परेशान हो रहे हैं, तो उसकी वजह से इन्होंने एक तो कूड़ा तो जगह जगह फैला ही हुआ था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन से ये यहाँ की नाली, जो मेन नाली है, इसको ब्लॉक कर दिया गया है। किसी ने शरारतपूर तरीके से किया है या ये वैसे ब्लॉक हो गई है, पर कोई खोलने वाला नहीं। उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि पूरे कृष्णानगर का पानी इधर से मेन रोड से होके नाली से होके गुजरता है और ये पूरी नाली ओवरफ्लो हो रही है। सड़क पूरी पानी से इस समय ऐसा लबालब हो रही है कि जैसे बरसातों में भी नहीं है, कमी नहीं है। हम तो जब से आ रहे हैं, जब से गंदगी देख रहे हैं इस रोड पे, कभी सफाई की व्यवस्था कभी नहीं हुई इस रोड पे। जबकि इस रोड पे 3-3 स्कूल है और साथ में कूड़ा घर है, बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कोई देखने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। तो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है लगता है कहीं ना कहीं, वो सब फेल है, सिर्फ पॉलिटिक्स चल रही है मीडिया में दिखाने के लिए।